पास देखो। सब्जी ले लो। कौन हो तुम लोग? ये हमारी एंट्री का पास है। मैं लक्ष्मण का भाई हूँ और ये मेरे भाई का साला है। ठीक है ठीक है। सुना एक बहुत अच्छा आदमी इधर बंद है। कौन अच्छा आदमी? अरे भाई वही जिसने तीन इक्के का जुआ खाना बंद करवाया। अच्छा अच्छा वो मशाल वाला। हाँ बाजू में। बाजू में कौन है बे तुम? अरे तुम यहाँ हो, मैं समझा था वहाँ हो। सर्दी तुमको हुई ना? हाँ मेरे को हुआ है, पर तुम है कौन? अरे तुमने पहचाना नहीं? हम कैंटीन के तरकारी वाले का बड़ा भाई, धोंडू दादा की स्पेशल तकरीर तुम्हारे वास्ते लाया। तीन छींक में काम तमाम। तमाम? अबे तुम भाजी वाला है या हकीम है? है? अरे तुमने तो पहचान लिया, मेरा बाप वाकई दिन था। तुमको तो इंस्पेक्टर होना चाहिए था। सुबह टाइम मत लगाओ। तीसरे में जाएगा। अरे अरे चौथी में गया। आदमी बड़ा मजबूत था, गुच्छा की तरह चाबी का। सिंह साहब या अबे हयात, ये ठंडी रात अगर चंदा को बुलवा लेते तो मजा आ जाता। लेकिन द्वारका बाबू वो तो अपने कमरे में शराब पीकर धुत पड़ी है। द्वारका लगता है तुम्हें औरतों के साथ पीने की लत लग गई। आपकी मेहरबानी से। मुबारक हो सिंह साहब, ये पुजारी की बेटी अरुणा है। ओ, अरुणा, आज मंदिर को छोड़ के हमारी महफिल में कैसे चली आई? संसार के भगवान को छोड़कर नंदगंज के भगवान के पास आई हूँ। सुना है यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सिंह साहब, मैं आपसे सुभाष के जीवन की भीख मांगने आई हूँ। समझा, लेकिन जो आदमी फांसी पे चढ़ने वाला है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आप चाहें तो सुभाष को बचा सकते हैं सिंह साहब। शायद तुम नहीं जानती कि दुनिया में वही मेरा एक दुश्मन है। अरे लेकिन सिंह साहब, आप तो बहुत ही रहमदिल इंसान हैं, फरिश्ता हैं। आपने तो न जाने कितनों का कल्याण किया है, इन पर भी दया कीजिए ना। लेकिन इनकी दया की कीमत होती है अरुणा जी। भला मैं क्या कीमत दे सकती हूँ एक गरीब अनाथ लड़के। नहीं अरुणा, जो दौलत बड़े बड़े धनवानों के पास नहीं होती वो तुम्हारे पास है। जी मैं समझी नहीं। अब आ गई हो तो समझ भी जाओ। पहले अपने हाथों से इस जाम को सिंह साहब के होठों तक तो पहुंचा दो। लो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखिए सिंह साहब जानते हैं कि हर खूबसूरत लड़की की ना का मतलब हाँ होता है। ले लो अरुणा, जरा सी बात के लिए सिंह साहब का मूड मत खराब करो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। ले लो, ले लो ना। क्या बात है? क्या दिलकश खूबसूरती है, क्या जालिम जवानी है। सुभाष ने आपको ठीक पहचाना, आप इंसान के रूप में शैतान हैं, आपकी आत्मा मर चुकी है। नहीं, नहीं, ना मुझे। नहीं, 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 नहीं
क्या किया रवि? और ना, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। बहुत अच्छा साहब। इंस्पेक्टर साहब, यह है वो पिस्तौल जिससे कंचन का खून हुआ था। क्या बकते हो? चुप रहो। तुम लोगों के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। सीजर, अब अभी भी समय है। कंचन के खूनी का नाम बता दो। सीजर, अगर तुम सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना दूंगा। बताता हूं, उस रात जब सुभाष कंचन को गोली मारने जा रहा था, हमने देखा उसके हाथ रुक गए, गोली इधर से चली। सिंह साहब का यही प्लान था। मैं खूनी खूनी चिल्लाकर सुभाष के पीछे दौड़ा। सुभाष घबराहट में भाग निकला। उसके बाद हम लोग कंचन की लाश के पास खड़े हो गए। कंचन का खून द्वारका बाबू ने किया है। हवलदार, इनको हथकड़ी लगा दो। मिस्टर सुभाष, कंचन के खून के इल्जाम से तो आप बरी हो ही जाएंगे, लेकिन जेल से भागने की सजा आपको जरूर मिलेगी। अरुणा, तुम्हारा सुभाष मैं तुम्हें लौटा रहा हूं। घबरा मत रवि, डॉक्टर आ रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सुभाष, अरुणा, मेरे जाने को दुख मत करना। मैं तो पछड़ हूं, नंदगंज में पसंद आ रहा है, मुझे जाना ही होगा। नहीं रवि, तुम दोनों मशाल की ज्योत को जलाए रखना। ऐसी बात मत कर मेरे दोस्त, ऐसी बात मत कर। मित्र बीच रास्ते में बिछड़ा नहीं करते रवि। सुभाष, बिछड़ा नहीं करते। सुबह आकर बिताई मत। सुभाष मुस्कुरा, सुभाष बसंत आ रहा है। सुभाष बसंत।